चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। एक सितंबर 2019 से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट ने जहां एक तरफ इन दिनों सड़कों पर कानूनों के प्रति लापरवाही बरतने वालों को अब खासा परेशान करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद अब आम लोगों की एक बड़ी शिकायत भी दूर होने वाली है। आपको बता दें कि ज्यादातर आम लोगों का मानना है कि ट्रैफिक पुलिस आम लोगों के जहां बहुत बड़े बड़े चालान काटती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने स्टाफ एवं अन्य विभागों से संबंधित कर्मचारियों के चालान काटने में ट्रैफिक पुलिस कोताही करती है। आपको बता दें कि अब ऐसा नहीं होगा और खासतौर पर दिल्ली में तो ऐसा कतई नहीं होगा। अगर ट्रैफिक नियमों के पालन न करने पर आम आदमी का बड़ा अथवा छोटा चालान काटा जाता है तो पुलिस या फिर इससे जुड़े अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर उनके भी वही चालान काटे जाएंगे। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस के कर्मियों अधिकारियों समेत एनफोर्समेंट विभाग के अधिकारियों की भी अब खैर नहीं। नियमों का उल्लंघन करने वाले अगर पुलिसकर्मी हुए तो उनका भी संशोधित एक्ट के मुताबिक दोगुना चालान होगा। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में इसका भी प्रावधान है। दिल्ली पुलिस की संयुक्त पुलिस आयुक्त मीनू चौधरी ने यह सर्कुलर जारी किया है। दूसरी तरफ संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्रेन से वाहनों को उठाने का सिस्टम भी अब पूरी तरह से बंद हो गया है। दिल्ली की संयुक्त पुलिस आयुक्त ऑपरेशन मीनू चौधरी की ओर से एक दिन पहले जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अगर दिल्ली के पुलिसकर्मियों व जवानों समेत परिवहन विभाग यानी एनफोर्समेंट के अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो उनका मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोगुना चालान होगा, भले ही वह अपने निजी वाहन या फिर सरकारी वाहन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें। यह सर्कुलर दिल्ली पुलिस की सभी यूनिटों के प्रमुखों, जिला डीसीपी, ट्रैफिक पुलिस रेंज के अधिकारियों को भेज दिया गया है और उनसे कहा गया है कि वह अपने स्टाफ को ट्रैफिक नियम न तोड़ने को लेकर जागरूक करें। ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस के सभी जवानों को जागरूक किया जा रहा है। इस अधिकारी ने बताया कि पुलिस व एनफोर्समेंट अधिकारियों के डबल चालान का प्रावधान नए व्हीकल एक्ट में है। दूसरी तरफ दिल्ली में अब क्रेन से वाहन नहीं उठाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि क्रेन वाहन को उठाती है तो क्रेन चालक को 100 रूपए देने होते हैं। क्रेन द्वारा वाहन उठाने का 600 रूपए का चालान होता था। नए एक्ट के तहत दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से फिलहाल नकद चालान नहीं किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस फिलहाल कोर्ट के चालान काट रही है तो क्रेन चालक को 100 रूपए कहाँ से दी जाए, ऐसे में क्रेन वाहनों को नहीं उठा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ इस समय दिल्ली में करीब 75 क्रेनें जुड़ी हुई हैं। फिलहाल यह सभी खड़ी हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही इनके बारे में दिल्ली पुलिस आगे कुछ तय करेगी। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।